देखिए, हम पहले से इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट हैं। जो कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए जिस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया, और दुख तो इस बात का कि जो पढ़ी लिखी जमात है, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको भी गुमराह करने में उनने कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा पहली कैबिनेट की बैठक में हम आपको ओपीएस देंगे, पहली कैबिनेट की मीटिंग होने के लिए एक महीना लग गया। जब एक महीने के बाद बैठक हुई तो ऐलान वही किया गया जो चुनाव से पहले किया गया था, चुनाव के दिनों में किया गया था, ओपीएस दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ना उसमें ओपीएस में स्पष्टता हो पाई है कि देना किस प्रकार से है, ना कोई नोटिफिकेशन हो पाई है, ना कोई फॉर्मूला वर्कआउट हो पाया है। और अभी तो ये बात है कि इस महीने का जो एनपीएस का जो पैसा कटता है कर्मचारियों का, वो भी कट गया, यानी कि ओपीएस अभी लागू होने की संभावना नहीं है। इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दिया, कहा था कि 1500 रुपए देंगे हम 18 से 60 साल की आयु के लिए, लेकिन वो भी कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में करेंगे, लेकिन पहली कैबिनेट की बैठक तो हो ली अब, और उसके बावजूद भी उस पर भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। और लेकिन गुमराह किया, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उन्हें लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल की। सर आप देखिए, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, वो करें, वो उनके विवेक पर मैं छोड़ देता हूं। लेकिन ये बात सत्य है कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के नाम पर कर्मचारियों को जिस प्रकार से अपने साथ लेने का उन्होंने प्रयत्न किया, उसमें हो सकता है वो सफल हो गए हों, लेकिन इतना जरूर है कि कर्मचारी अब इस बात से महसूस कर रहे हैं, ठगा ठगा से महसूस कर रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और क्योंकि ये आज तक के हिमाचल के इतिहास में इस प्रकार से कभी किसी सरकार ने नहीं किया, बदले की भावना से, और संस्थान जो खोले गए थे 9-9 महीने से संस्थान जो चले थे, डॉक्टर बैठ करके पीएससी में ट्रीटमेंट कर रहा था, पटवारी बैठ करके पटवार सर्कल में रेवेन्यू के सारी प्रोसेस को कर रहे थे, यानी कि नकल ततीमा जो उनका जो एक काम होता है वो सारी चीज़ें वो कर रहे थे, तहसीलदार तहसील में बैठ करके जो है वो सारी अपनी नियमित जो है वो कार्य कर रहा था, एसडीएम बैठ करके जो है उसने चुनाव भी करा दिए, चुनाव का सर्टिफिकेट भी दे दिया, उसके बाद भी नोटिफाई कर दिए, ये आज से पहले कभी हुआ नहीं है। इस बार 26 जनवरी होगी कुछ खास, आपकी मनपसंद ऑटो के साथ गोयल मोटर्स लेकर आई है 26 जनवरी स्पेशल ऑफर, ऑल्टो 100% ऑन रोड फाइनेंस के साथ, अभी नहीं तो कभी नहीं, उच्चतम माइलेज व न्यूनतम मेंटेनेंस खर्च, अभी खरीदने के लाभ, 2022 के मॉडल पर उच्चतम ऑफर्स, आपकी पुरानी कार का सबसे बेहतरीन दाम, कीमतें बढ़ने से पहले खरीद पर भारी बचत का लाभ, तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800 1808072 पर।